नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है दोस्तों। आज की जो वीडियो होने वाली है ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस बारे में मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में मुझे मिल रहे थे कि आप हमें बताइए कि अगर हम अपनी गाड़ी को एक बेच रहे हैं जो कि 10 से 15 साल पुरानी है तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछे गए इसलिए मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं क्रमवार तरीके से पहले आपको फोर व्हीलर के बारे में, उसके बाद टू व्हीलर के बारे में पूरा अच्छे से बताऊंगा। थोड़े से डिटेल वीडियो हो जाएगी, इसके लिए पहले से ही आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो होगी क्योंकि इसके बारे में मैं डिटेल में आपको कवरअप करने जा रहा हूँ डिटेल में, तो थोड़ी सी लंबी वीडियो ज़रूर हो जाएगी। तो इसको आप लोग पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल जाए। अगर आप भी एक 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को बेचने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेम्बर व्हाइल सेलिंग योर व्हीकल। तो पहले हम कार की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम टू व्हीलर की बात करेंगे यानी मोटरसाइकिल की। तो दोस्तों रहे हैं मार्केट में तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो हम आपको बताते हैं क्रमवार तरीके से बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट। आप उसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं एक कॉपी पेन लेकर, या फिर अपने आप नोट्स में नोट कर सकते हैं मोबाइल या फिर लैपटॉप में। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं अवगत करा दूँ कि जो पहली चीज़ है कि आप अगर अपनी कार को बेच रहे हैं तो क्या आपको करना चाहिए, वो आप ध्यान में रख लीजिए ताकि आपको बाद में परेशान ना होना पड़े कि हमारा बायर ने गाड़ी को ख़रीद लिया और ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है तो हम सर क्या करें। क्योंकि आप लोगों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मुझे कि ख़रीदार गाड़ी को ट्रांसफ़र अपने नाम पर नहीं करवा रहा है तो हम क्या करें। तो सबसे पहले आपका फ़र्ज़ क्या है, पहला पॉइंट, आपको अपनी गाड़ी का कार का एक अच्छे से चारों तरफ से इमेज ले लेनी है अपने मोबाइल फ़ोन में। सबसे पहला काम आपको यही करना है, टेक द फोटो ऑफ एवरी एंगल, टेक द फोटो फ्रॉम एवरी एंगल ऑफ योर कार। तो आपको सबसे पहला काम ये कर लेना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, मेंशन योर एग्जैक्ट ओडोमीटर रीडिंग। जी हाँ, आपके जो मीटर होता है गाड़ी का उसकी रीडिंग जो है उसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। एक पेज में आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप उसकी भी फोटो कैप्चर कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में ही। तो आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद अगर आप जो मेरी बताई कि इन बातों को पूर्णतया सुन लेते हैं, अपने नोट डाउन कर लेते हैं नोट पैड में, तो आपको बाद में परेशान होना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, गाड़ी को बेच देते हैं उसके बाद वो परेशान होते रहते हैं कि वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, उसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो थर्ड पॉइंट अब आपको क्या करना है, कलेक्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स जीरोक्स। जी हाँ, आपके पास जो भी गाड़ी के आपके कागजात हैं, मसलन आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर यानी कि किस ईयर में गाड़ी आपकी बनी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका हो गया, पीयूसी सर्टिफिकेट हो गया, उसके अलावा आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको आपको चेक कर लेना है, और वहाँ पर कॉपी ऑफ बिलिंग यानी कि आपने जो गाड़ी बाय की थी उसका जो बिलिंग है उसको भी आपको ले लेना है, और इन सभी का जीरोक्स आपको ले लेना है। चूंकि मैं आपको बताऊं तो ये सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे तो आरटीओ में आपको सबमिट करना पड़ेगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपको उस ओनर को देना पड़ेगा जो सेकंड ओनर बनेगा आपकी गाड़ी का। तो आपको जीरोक्स कॉपी सभी की रख लेनी है अपने पास में ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत जो है वो ना उठानी पड़े। उसके बाद चौथा जो आपका मेन इम्पॉर्टेंट काम है आपको क्या करना है वो ये रहेगा कि आपको अपनी गाड़ी का सेल लेटर वो आपको ले लेना है। जी हाँ, सेल लेटर आपको लेना है। सेल लेटर पे आप क्या करेंगे, उस ख़रीदार के सिग्नेचर उस सेल लेटर पे ले लेंगे। सेल लेटर आपको कहाँ से मिलेगा, सेल लेटर आप चाहें तो आप अपने नियरेस्ट TTO और ARTO ऑफिसर से विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको दोनों मद में दिक्कत हो रही है डाउनलोड करने में, RTO में जाने में, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं आपको सेल लेटर फॉरवर्ड कर दूंगा। वैसे आपको बहुत ईजिली है, आपको अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आप अपने किसी भी नियरेस्ट सेशन कोर्ट वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर भी ये प्राप्त कर सकते हैं सेल लेटर। उसके बाद दोस्तों आपको क्या इसमें ध्यान रखना है, तो सेल लेटर में नंबर ऑफ प्रीवियस ऑनर्स आपको मेंशन कर लेना है, फुल सर्विस रिकॉर्ड हिस्ट्री जो है उसको मेंटेन करके रखना है यानी कि देख लेना है, और अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं तो उसको भी कलेक्ट करके आपको रखना है।
ताकि बाद में कोई दिक्कत आपको ना झेलनी पड़े। एक्सीडेंटल रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना है कि आपकी गाड़ी का अगर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह आपने किया है तो उसको भी आपको मेंटेन में रखना है। टायर्स बैटरी डिटेल भी आपको चेकअप कर लेना है या फिर मेंशन कर लेना है। उसके अलावा मेजर पार्ट्स रिप्लेसमेंट नोटिफिकेशन, और कहीं भी आपने अगर कहीं पे मेजर पार्ट्स को चेंज करवाए हैं तो उसकी डिटेल्स, और उसके अलावा मॉडिफिकेशन अपने अपने कार में करवाया है तो उसको भी आपको ज़रूर से लिख के रख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको, आप अपनी व्हीकल को बेच रहे हैं आरटीओ में के माध्यम से, आपको भी बेचना पड़ेगा क्योंकि आप वहीं पर अपनी व्हीकल को ट्रांसफ़र कराएंगे। तो ऐसे केस में आरटीओ में आपको तीन तरीके के मेन जो फॉर्म होते हैं वो लेने पड़ते हैं। जी हाँ, आपको अपनी गाड़ी को अगर बेच रहे हैं तो आपको तीन फॉर्म्स लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहला फॉर्म होता है फॉर्म 28, जिसको फॉर्म 28 या फिर NOC भी बोला जाता है। उसके अलावा फॉर्म 29, उसके बाद फॉर्म 30 जो कि ट्रांसफ़र डीड होता है। ट्रांसफ़र डीड फॉर्म क्या होता है वो आगे बताऊंगा। उसके अलावा फॉर्म 30 होता है। तो ये आपको तीन फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी मुख्यतः, अगर अपनी गाड़ी को आप वहाँ पर बेच रहे हैं तो इन आपको फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रांसफ़र डीड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसफ़र डीड इज़ ए सर्टिफिकेट दैट द सेलर पोजेस दैट आई हैव नो लिटिल बिट लाइबिलिटीज अबाउट दिस व्हीकल। तो दोस्तों फॉर्म 29 ट्रांसफ़र डीड फॉर्म होता है, और फॉर्म 30 जो होता है वो मेन ट्रांसफरिंग फॉर्म होता है ओनरशिप ट्रांसफ़र का। तो फॉर्म 29 जो होता है उसमें ट्रांसफ़र डीड होता है। तो ट्रांसफ़र डीड ये होता है कि ट्रांसफ़र डीड बेसिकली एक फॉर्म होता है जिसमें यह मेंशन रहता है कि फर्स्ट ऑनर जो है, यानी कि जो गाड़ी को आप बेच रहे हो, आप जो ऑनर हो, आप उस सेकंड पार्टी को जिसको बेच रहे हैं आप अपनी व्हीकल, जो दूसरा ओनर बनने जा रहा है, उसको यह एक शपथ देते हैं कि आज मैं इस फला तिथि पर, फला दिन पर, इस ईयर में गाड़ी को आपके नाम पर कर रहा हूं, बेच रहा हूं, और भविष्य में इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर कोई भी इससे दुर्घटना या फिर मिसलेनियस एक्टिविटीज़ इस गाड़ी के द्वारा की जाती हैं। तो यही होता है ट्रांसफ़र डीड। इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो इतने चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है अगर आप अपनी कार को, 15 साल पुरानी कार को बेच रहे हो तो, 10 से 15 साल। अब आते हैं हम नंबर दूसरे इस तथ्य पे, पॉइंट्स पे, जो कि आपकी टू व्हीलर है। अगर 10 से 15 साल है उसको आप बेच रहे हो तो आपको क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए या फिर कौन कौन से सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, ध्यान में तो आप जो मैंने आपको कार की चीज़ें बताई हैं सेम वही चीज़ें आप अपनी मोटरसाइकिल में भी वही आप इंपॉर्टेंट थिंग्स उसको रिमेंबर कर सकते हैं, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई अभी प्रीवियसली अबाउट कार। उसके अलावा जो सर्टिफिकेट हैं वो थोड़े से चेंजेस होते हैं टू व्हीलर में, तो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स अगर आप गाड़ी को बेच रहे हो तो आपकी ज़रूरत पड़ती है आपको ट्रांसफ़र डीड फॉर्म, फॉर्म 28 की, माफ़ कीजिएगा, फॉर्म 29 की, यानी कि 29 की ट्रांसफ़र डीड फॉर्म, वो ज़रूरत पड़ती है आपको। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मेंटेन करके रखना है, जो कि आपको ओरिजिनल कॉपी सबमिट करनी पड़ती है आरटीओ में। तो उसके बाद वो सेकंड ऑनर के नाम पे गाड़ी आपकी जाती है, तो उसको आपके कॉपी, ये सभी चीज़ों की आपको जीरोक्स कॉपी लगेगी। तो उसके अलावा दोस्तों इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, रोड टैक्स सर्टिफिकेट और पोल्यूशन सर्टिफिकेट, ये आपको आरटीओ में सबमिट करना पड़ेगा अगर आप 15 साल पुरानी गाड़ी को नियमावली के अनुसार, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट है उसके हिसाब से अगर ट्रांसफ़र ओनरशिप कर रहे हैं तो। और उसके अलावा दोस्तों आप अपनी तसल्ली और सुरक्षा के लिए वहाँ पर मेन रीडिंग जो है वो नोट कर सकते हैं, अपनी गाड़ी के फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं, सेल लेटर भी आप ले सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर आप लेते हैं उस बायर से, आप सेलर हैं तो आप बायर से अगर लेते हैं तो आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर आप परेशान होंगे अगर आपके सेलर गाड़ी को ट्रांसफ़र नहीं कराएगा अपने नाम पे। तो ये सब चीज़ें आप ले लीजिए, क्योंकि बाद में अगर आप गाड़ी अब बेचते हो और उससे कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, कहीं एक्सीडेंटल केस हो जाता है, तो ये सब चीज़ों में आपको बाद में झेलना ना पड़े, भुगतना ना पड़े, तो इसलिए पहले से ही आप अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करके रखिए। तो ये होते हैं दोस्तों कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है अगर अपनी गाड़ी को आप बेच रहे हो तो। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। कोई सलाह, कमेंट, सुझाव होते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं उसको जवाब जरूर दूंगा। और पर्सनल सुझाव बातचीत के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, @TechnicalAlok इंस्टाग्राम हैंडल है। और उसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी मैं एक्टिव हूँ, सभी के हैंडल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जाकर फॉलो कर लीजिए। क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, सुझाव देना हो तो इंस्टाग्राम पर स्वागत है, आइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल इंपॉर्टेंट वीडियोस ट्रांसपोर्ट जगह से रिलेटेड आपसे मिस ना हो।
अभी के लिए जी दी इजाज़त। आने वाली कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप एक बायर हैं तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए कार और मोटरसाइकिल को खरीदने से पहले। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।